हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए भूगोल यानी जियोग्राफी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न लाई हूँ, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए इरोडोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिम्पार्कस, डी हिकैटियस। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हिकैटियस। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ए हेरोडोटस, बी हिकैटियस, सी हिप्पार्कस, डी इरोडोस्थनीज। इसका सही जवाब हो जाएगा डी इरोडोस्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रूस, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पार्कस। इसका सही जवाब हो जाएगा ए कार्ल रिटर। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन है ए हेटनर, बी जीन ब्रूस, सी एच एच बैरोज, डी इरोडोस्थनीज। इसका सही जवाब हो जाएगा सी एच एच बैरोज। हमारा अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए पेसल, बी डेविस, सी पेंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए पेसल। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए वारेनियस। हमारा अगला प्रश्न है, सौर्यमंडल के बारे में विश्व में के समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन है ए कॉपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए कॉपरनिकस। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ए सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ग्रह। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी कांट। हमारा अगला प्रश्न है, सौर्यमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। इसका सही जवाब हो जाएगा डी 8। हमारा अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ए सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी उपग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन है ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ए केपलर। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ऑप्शन है ए 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 21 जून। हमारा अगला प्रश्न है, सौर्यमंडल की खोज किसने की। ऑप्शन है ए कॉपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए कॉपरनिकस। हमारा अगला प्रश्न है, सौर्यमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। इसका सही जवाब हो जाएगा डी सूर्य। आज के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।